कर्नाटक में बीजेपी की ऑपरेशन लोटस को झटका। कर्नाटक की कुमार स्वामी सरकार पर से टल गया खतरा। कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार को गिराने की बीजेपी की कोशिशों को झटका लगा है। पिछले 7 महीने के दौरान ये दूसरी बार है जब कर्नाटक में सरकार बनाने की बीजेपी की कवायद फेल हुई है। बीजेपी 12 साल से 15 कांग्रेस विधायकों से इस्तीफा दिलवाकर सरकार बनाने की तैयारी में जुटी थी, लेकिन कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों ने आखिरी वक्त पर पैर वापस खींचकर बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को नाकाम कर दिया। जी हां, कर्नाटक में बीते करीब एक सप्ताह से मचा सियासी घमासान थमता दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों से अपने विधायकों को हरियाणा के गुरुग्राम से सटे एक रिसोर्ट में रोक रखा था। इसके अलावा 4 कांग्रेस विधायक मुंबई और दूसरी जगहों पर थे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को जब एहसास हो गया कि जरूरी संख्या में कांग्रेस विधायक इस्तीफा नहीं देंगे, तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदुरप्पा ने होटल में मौजूद पार्टी विधायकों से कहा कि ऑपरेशन लोटस स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक येदुरप्पा ने विधायकों से कहा कि पार्टी आलाकमान एक साथ कम से कम 16 जेडीएस कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा चाहता था। शनिवार तक 12 कांग्रेस विधायकों ने हमें भरोसा दिया था कि वे पाला बदलेंगे, लेकिन आखिर में वे पीछे हट गए। उधर मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के ज्यादातर बागी विधायक लौट आए हैं। हालांकि ये भी अभी साफ नहीं हुआ कि असंतुष्ट विधायकों की अगुवाई कर रहे पूर्व मंत्री रमेश जरकीहोली का अगला कदम क्या होगा। रमेश के साथ अभी बेलारी के विधायक बी नागेंद्र और विधायक महेश मुंबई में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि कैबिनेट से हटाए जाने और बेलगावी की राजनीति में डीके शिवकुमार के दखल से रमेश नाराज थे। हालांकि पहले नाटकीय तरीके से राज्य के सियासी हालात उस वक्त बदल गए थे जब 2 निर्दलीय विधायकों ने कुमारस्वामी सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा की थी। इसके बाद कुमारस्वामी ने खुद कमान हाथ में लेते हुए कांग्रेस जेडीएस नेताओं की मदद से असंतुष्ट विधायकों को मनाने की कोशिशें शुरू की। कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि सूबे की कुमारस्वामी सरकार पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल टल गया है। इंडिया न्यूज़ वैरल की रिपोर्ट।